तारीख जो बयां करती है इतिहास को, जो बयां करती है आज को और जो बयां करेगी कल को। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था 21 अक्टूबर को। 1296 अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभाली। 1727 रशिया एंड चीन ने सीमाओं को सही करने के लिए समझौता किया। 1854 फ्लोरेंस नाइटिंगेल को 38 नर्सेस के साथ क्रिमिया युद्ध में भेजा गया। 1871 अमेरिका ने पहला आउटडोर एथलेट गेम शुरू कराया। 1934 जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। 1934 नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की। 1945 फ्रांस की महिलाओं को पहली बार वोट करने का अधिकार मिला। 1950 बेल्जियम में मृत्यु दंड समाप्त की गई। 1951 भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। 1954 भारत और फ्रांस ने पांडिचेरी को भारत गणतंत्र में शामिल करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। 1970 नॉर्मन ई बोरलॉग को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। 1999 सुकर्णो पुत्री मेघावती इंडोनेशिया की उपराष्ट्रपति चुनी गई। 2005 सामूहिक बलात्कार की शिकार पाकिस्तान की मुख्तारन मई वुमेन ऑफ द ईयर चूज की गई। 2007 भारतीय मूल की अमेरिकी बॉबी जिंदल ने अमेरिका के लुसियाना प्रांत में गवर्नर के पद पे जीत हासिल की। 2012 साइना नेहवाल ने डेनमार्क ओपन जीता। 2013 कनाडा की संसद में मलाला यूसुफजई को कनाडा की नागरिकता प्रदान की गई। तो आइए आज हम बात करते हैं कुछ मशहूर लोगों जिनका जन्म 21 अक्टूबर को हुआ था। 1931 में फिल्म एक्टर शमी कपूर का जन्म हुआ था। शमी कपूर एक प्रसिद्ध कलाकार और काफी जाने माने हस्ती हैं इंडियन फिल्म सिनेमा में। 1939 में हेलेन जो कि एक फिल्म एक्ट्रेस और डांसर रही हैं, उनका जन्म 1939 में हुआ है। 1937 फारूक अब्दुल्ला जो कि एक पॉलिटिशियन है, उनका भी जन्म 1937 21 अक्टूबर को हुआ था। तो ये थी आज की देश विदेश की घटनाएं। हॉटमार्ट परिवार ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आपको आपके इतिहास से अवगत कराता रहेगा। बस आप हॉटमार्ट टीवी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। You are watching Hotmart TV.